बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद उसामा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे करंट पेपर के बारे में। फाइनल टर्म पेपर है CS403 डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पेपर हुआ मेरा, तो मैंने कहा चलो आप सब शेयर करते हैं। जैसे मैंने मेरे पहले दो पेपर हुए थे, मैंने वो भी शेयर किए, तो मैंने आज का पेपर वो भी आपसे शेयर कर दिया। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जो पेपर है वो पास्ट पेपर में से आ रहा है या बुक से आ रहा है। पास्ट पेपर में से कितना आ रहा है, बुक में से कितना आ रहा है। तो जैसा कि जो CS301 का पेपर था, वो ऑल टू ऑल 70-80% जो पेपर था ना, वो पास्ट पेपर में से आया था। तो 20% जो 25% था वो बुक में से आया था। तो लेकिन जो डाटा बेस का पेपर है, ये 25-30% ही पास पेपर में से आया, तकरीबन 25%। अभी 70-75% बुक में से आया। तो चंद क्वेश्चन MCQs ये हैं जो पास पेपर में से हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड आउट्स को लाजमी रीड करें, क्योंकि इस तरह आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन चंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पास्ट पेपर में से आया था। रिपीटिंग इन द ब्लैंक फंक्शन हेल्प प्रोड्यूस द नीड टू यूज मल्टीपल और कंडीशन एंड है, इन है, ऑफ है, नन ऑफ थिंग्स है। इन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, DML स्टैंड फॉर डाटा मटीरियल लैंग्वेज है, डिटेल मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डाटा मेमरी लैंग्वेज है। करेक्ट ऑप्शन सी है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके रिलेटेड जो होती है और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे DDL है, SQL है, ACID है, इस तरह के जो स्टैंड फॉर होते हैं एक्रोनियम, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार किया करें। इसके रिलेटेड जो होते हैं उस क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। रोम है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, नॉन ऑफ दीज है, रैम है। इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड पर्सन। सेलेक्ट फ्रॉम स्टैटिक पर्सन है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन है, सेलेक्ट स्टैटिक वेयर पर्सन है, सेलेक्ट वेयर स्टैटिक पर्सन। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। इस तरह के जो सिंटैक्स क्वेश्चन है ना, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसको आपने बेसिक सिंटैक्स है उसको आपने बुक से अच्छी तरह से तैयार करना है। और तकरीबन तीन या दो क्वेश्चन थे वो आए थे सब्जेक्टिव में, इस तरह के बेसिक सिंटैक्स थे, उसको भी आपने रीड करना। ये 4 क्वेश्चन थे MCQ जो पास पेपर में से आए। तो इसलिए आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हैंड आउट्स को लाजमी देखें। अगर आप आल लेक्चर नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 लेक्चर को लाजमी करें। 35-45 जो लेक्चर हैं उसको आप अच्छी तरह से रीड करें, कंसेप्ट तैयार करें। इससे उससे आपके MCQ भी तैयार हो जाएंगे और सब्जेक्टिव पार्ट भी, और आपका पेपर अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, जब पेपर आते हैं पास पेपर डाउनलोड कर लेते हैं और तैयारी करते हैं, और पेपर जब अच्छा नहीं होता, आता नहीं है, तो फिर कहते हैं हमने तैयारी की थी। तो इसलिए हमें हैंड आउट्स को लाजमी देखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, हैंड आउट्स को लाजमी देखें। तो चलो मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो हैंड आउट में से रिलेटिव आए थे सिंटैक्स के रिलेटिव, ठीक है। तो जो पास पेपर है इसमें से ये आया नहीं था, लेकिन इसके रिलेटिव रिलेटिव्स आए थे, मतलब इस तरह के आए थे। SQL के स्टेटमेंट की, ठीक है, पर्सन शो ओनली कोड, हु फर्स्ट नेम, अहमद हु लास्ट नेम। तो ये सेंटेक्स थे, इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पास पेपर में भी जहाँ पे मिले वो हैंड ऑफ में भी आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, टेबल पर्सन, ठीक है। इसको इसके बाद कुछ और है, दो क्वेश्चन वो भी दिखा देता हूँ। ये बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंडेक्स है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम है, ओन टेबल नेम, कॉलम नेम, और ये है, ठीक है, राइट एन SQL, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके मुताबिक रिमूव इंडेक्स कॉल, इंडेक्स नंबर है, ड्रॉप इंडेक्स टेबल नेम है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से तैयार करना है बुक से, जहाँ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आपने इनफॉर्म को करना है, वहाँ से भी MCQs आए थे, ठीक है, बुक में दिखाता हूँ। और आपने ये कॉन्करेंसी कंट्रोल है, इसका भी मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब भी आया था, ठीक है। और इनफॉर्म इनपुट था जो, उसमें से भी MCQs आया था। और रेप्लिकेशन इसमें भी MCQs आए थे।
वर्टिकल पार्टिशनिंग इसमें से भी आई थी, इसको भी आपने याद करना है अच्छी तरह से, ठीक है। रीड करें तो आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट याद हो जाएगा। एप्लीकेशन इसको देखें, क्लस्टरिंग फाइल्स को देखें, ठीक है। तो आइसोलेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, चार इसकी प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन एंड यूजबिलिटी है, ठीक है। इसको देखें, आइसोलेशन के रिलेटिव भी क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इसको देखें, ठीक है। इसके बाद आप वोलेटाइल स्टोरेज को देखें, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को देखें, ठीक है। कमर्ट को देखें, रूल बैक को देखें, डेड लॉक को देखें, डेड लॉक के एग्जाम्पल्स को तैयार करें, इनर ज्वाइन को करें, आउटर ज्वाइन, कार्टेशियन ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, इस तरह की डेफिनेशन तैयार करें, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस फाइल को देखें, इसके बाद आप सिविल एक्सिक्यूशन को देखें, शेड्यूल को देखें, मिटलाइज्ड व्यू, डिलीटिंग व्यू, अपडेट व्यू, ठीक है। और पार्टीशंस को देखें, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, रेंज पार्टीशन, हैश पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, एसक्यूएल बेनिफिट को देखें। इस तरह के जितने क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें, 35 to 45 लेक्चर्स को आप रीडिंग करें, ठीक है, अच्छी तरह से रीड करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, आई होप सो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।